हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS और IFS के इंटरव्यू सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज एक और सफल विद्यार्थी, एक और सफल एस्पायरेंट हमारे साथ हैं और उन्होंने रिसेंटली महाराष्ट्र सेट एग्जाम को सफल कर लिया है, सफलतापूर्वक मैं कहूँगा क्वालिफाई कर लिया है। तो आइए स्वागत करते हैं आप और हम मिलकर के आज के इस सक्सेसफुल एस्पायरेंट का। अंकिता पाटिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंटरव्यू सेगमेंट के अंदर और आशा करते हैं कि आप बहुत ज्यादा खुश होंगे। आपका महाराष्ट्र सेट एग्जाम अभी रिसेंटली क्वालिफाई हो गया है। यस सर, डेफिनेटली बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करें और फिर हम आगे डिस्कशन शुरू करते हैं। यस सर, सो माई सेल्फ अंकिता पाटिल और मैंने अभी मतलब 2018 में मेरा BSc कंप्लीट किया, 2020 में मेरा MSc कंप्लीट हुआ फ्रॉम शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर और करेंटली आई एम परसुइंग PhD और अभी सेट का एग्जाम मेरा क्लियर हुआ तो अभी मैं नेट की प्रिपरेशन चालू कर रही हूँ। सो क्या आपका टारगेट सिर्फ सेट एग्जाम था या फिर मैं ऐसे भी कहूँ कि वाई सेट, ओनली सेट? नहीं सर, मतलब सेट तो मतलब सिर्फ स्टार्ट ही है, शुरुआत ही है। तो मेरे माइंड में ऐसा था कि चलो पहले सेट क्रैक कर लेते हैं, बाद में फिर नेट का देख लेंगे। तो अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ एक्चुअली कि मेरा सेट क्रैक हुआ, तो इफ आई कैन डू दिस व्हाई नॉट दैट, सो मैं नेट की भी प्रिपरेशन चालू करी। चलो बहुत बढ़िया, हमेशा होता यही है कि हमें छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं और छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कब हम उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां हमारी पहुंचने की इच्छा रही होगी। और जाहिर सी बात है कोई ऐसा एग्जाम क्वालिफाई हो जाना जिसके लिए भी बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है और उसके बाद डेफिनेटली फिर लगेगा कि हाँ अगर ये हो सकता है तो CSR जैसे एग्जाम भी आराम से सफल किए जा सकते हैं अगर प्रिपरेशन ठीक से की जाए तो। yes. तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मेरा है कि why IFS? जब आपने प्रिपरेशन की डेफिनेटली आपने काफी समय दिया, काफी एफर्ट्स लिए, प्रिपरेशन के और कई सारे अलग अलग साधन हैं, सोर्सेस हैं, IFS को सिलेक्ट करने का कोई स्पेसिफिक रीजन? एक्चुअली मैं ऐसे स्पेसिफिक क्लासेस कोई देख नहीं रही थी, लेकिन आई यूज टू गो थ्रू यूट्यूब अलॉट कि कौन से वीडियोज है, कहाँ से मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो टू ऑफ माई फ्रेंड्स रिकमेंडेड एक्चुअली IFS। मैंने स्टार्टिंग में क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, मुझे बहुत पसंद आया। मतलब आप IFS में बेसिक से सब क्लियर किया जाता है, तो दैट इज व्हाट आई लाइक्ड द मोस्ट अबाउट IFS। सो मैंने सोचा कि इसमें ही मैं क्लासेस ज्वाइन करूं और यहां से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। ओके, सो जाहिर सी बात है ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस में से समझ में कई बार नहीं आता है। कई बच्चे हैं जिनकी पहले से ही क्लैरिटी है कि नहीं हमें सेल्फ प्रिपरेशन करनी है। yes. और कई सारे ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि चलो ठीक है अगर हम बहुत मिनिमम समय में कहीं से गाइडेंस लेकर के सफल हो जाएं, और जाहिर सी बात है बहुत सही फैसला होता है क्योंकि कई बार खुद के ट्रायल और एरर से हम काफी ज्यादा समय गंवा देते हैं। तो ज्यादा yes. समय ना गंवाए, ज्यादा समय वेस्ट ना हो, कम से कम टाइम में जितना ज्यादा से ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से रिक्वायरमेंट है उतनी सारी प्रिपरेशन कर ले, और ऐसी सारी चीजें आपको डेफिनेटली IFS में मिलने वाली है। सो अब हम बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने इस सफलता का जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो किसे देना चाहेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी एस्पायरेंट अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो ऐसे नहीं कर रहा, उसके पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, माता पिता का, भाई बहन का, फ्रेंड्स का, कई सारे कॉलेज टीचर्स का और बहुत सारे लोगों का। yes. आपकी सफलता के पीछे ऐसा कोई व्यक्ति? सर डेफिनेटली माय फैमिली, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है मुझे, और माय इन-लॉज, माय पेरेंट्स, माय हस्बैंड, ऑल हैव बीन वेरी सपोर्टिंग टू मी, लाइक they have supported me a lot throughout this journey. और मतलब जो भी है तुझे करना है ना तो कर, जो भी है तेरा 100% दे, लेकिन just don't turn around, जो करना है वो करो। और definitely मैं teachers को भी देना चाहूँगी credit, क्योंकि without them ये तो कुछ possible ही नहीं था। IFS के teacher, university के teachers, उन्होंने सिखाया इसीलिए मैं ये कर पाई। So, definitely would like to credit them.
सो देखिए भाई, किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे है ना कोई एक ही व्यक्ति हो जरूरी थोड़ी है, घर से शुरुआत होती है क्योंकि मोटिवेशन तो वहीं से आता है। घर से जब एनकरेजमेंट मिलती है कि नहीं आप जो करोगे आप करिए और अब हम आपके पीछे हैं, साथ खड़े हैं, तो फिर शुरुआत होनी शुरू होती है, फिर रास्ते बनने शुरू होते हैं, फिर कई सारे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो कि आपको आपकी मंजिल तक ले जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपके परिवार वालों को एक बार मेरी तरफ से, एफएस की पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद कहा जाए कि आप लोगों का लगातार ये जो सपोर्ट है यही कहीं ना कहीं इस सफलता का एक बहुत बड़ा स्रोत है। सो इसी के साथ अब हम अगले सेगमेंट की तरफ, अगला जो सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल इस प्रकार से है कि जब आप प्रिपरेशंस कर रहे थे, इस प्रिपरेशन के दौरान ऐसी कोई हर्डल, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज, डिफिकल्टी जिसे आप कह सकते हो एक तरफ से, जो आपने फेस किया, आपको लगता है कि हाँ ऐसी डिफिकल्टीज जनरली आती हैं और डेफिनेटली जो व्यूअर्स इस इंटरव्यू सेगमेंट को देख रहे हैं उन सभी को ये बातें बतानी चाहिए क्योंकि ये नॉर्मल है, डेफिनेटली हमारे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा, जब कभी भी ऐसी कोई स्थिति आए तो कैसे उसको टैकल करना चाहिए। सो सर, ये मेरी एक आप बोल सकते हो कि एक खामी है कि मुझे फेलियर लेना नहीं आता, लाइक फेलियर। तो 2021 में क्या हुआ, आई गॉट रियली सिक टाइफॉइड से एग्जाम के एक दो दिन पहले ही। तो मैंने बहुत प्रिपरेशन किया था और मैं गई भी एग्जाम के लिए और मैं अच्छे से दे नहीं पाई, तो वो मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन ये क्यों हुआ, मैंने इतना प्रिपरेशन किया और ये, और बाद में जब मैंने 2023 का दिया एग्ज़ाम तो मुझे लगा कि हाँ तभी नहीं हुआ, शायद अभी हो पाए। तो वो जो था मेरा, लाइक मैं इतना प्रिपरेशन कर रही थी और वो बीमार होना, तो दैट वाज लाइक टू मच फॉर मी एट दैट टाइम। और फिर भी मैंने किया, मैंने वो जो मेरी प्रॉब्लम है उसको बाजू में रख के, फेलियर को ज़्यादा मन पे ना लेके मैंने करा फिर से प्रिपरेशन। सो ऐसे हर्डल्स आते हैं। और लाइफ साइंस की स्टूडेंट हूँ, जू की स्टूडेंट हूँ, तो बॉटनी का कुछ आता नहीं था, तो बहुत ज़्यादा वो समझने में भी मुझे बहुत टाइम लगा। और थैंक टू यू सर, आप बहुत अच्छा बॉटनी पढ़ाते हो, मतलब आपके क्लासेस मैंने फॉलो करे और जितना भी कुछ आता है वो आपके वजह से मैं बोलना चाहूंगी। लेकिन बहुत ही बॉटनी मेरे लिए बहुत टफ था प्रिपरेशन। सो सबसे पहले तो थैंक यू और उसके बाद फिर इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, जैसे कि आपने कहा कि फेलियर। मैं हमेशा कहता हूँ कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ जर्नी ऑफ सक्सेस। अगर आप किसी जर्नी पर हो जो कि जाहिर सी बात है सफलता पर समाप्त होगी, लेकिन बीच में कई बार फेलियर्स भी आएंगे, है ना। मतलब एक चीज तय है कि आपने प्रिपरेशन करना शुरू किया, आपने किसी चीज, किसी मंजिल को पाने के लिए कोशिश करनी शुरू की, मिलेगा, ये बात तय है, लेकिन एक ही बार में मिल जाए जरूरी नहीं है। तो फेलियर इज जस्ट पार्ट ऑफ दैट एंटायर जर्नी। अगर ये आ रहा है तो उसको भी वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे कि आप सक्सेस को एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी फेलियर आपका कभी नुकसान नहीं कराएगा, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिखा करके जाएगा जो कि फ्यूचर में आने वाले इस प्रकार की सारी परिस्थितियों में आपको बहुत सारे काम आ जाने वाले हैं। सो यस, फेलियर इज जस्ट पार्ट ऑफ दिस जर्नी, इट इज नॉट द एंटायर लाइफ। ये छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा फेज है, इसे ओवरकम करना होता है और हमेशा इसको ओवरकम करके जो आगे बढ़ा है वो सफल भी हुआ है और आपके सामने हमारे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं अंकिता। और मैं चाहूंगा कि अब हम उन चीजों पर आए जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हो जाते हैं उन एस्पायरेंट्स के लिए जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या इस प्रकार के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपने प्रिपरेशन जो की उस दौरान ऐसी क्या क्या चीजों का ध्यान रखा, क्या क्या चीजें आपने खुद फॉलो की, क्या रूटीन रखा और क्या तरीका, क्या स्ट्रेटेजी रखी कंप्लीट प्रिपरेशन के दौरान जिसका रिजल्ट आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सर, मैंने पहले तो क्लासेस बहुत अच्छे से अटेंड किए, बाद में मैंने खुद के नोट्स जो होते हैं सेल्फ नोट्स वो मैंने निकाले हर चैप्टर पर, और वो भी आप क्वेश्चंस भी आते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बुक था
तो वो भी मैंने सॉल्व किया. और आई यूज टू स्टडी फॉर 5 to 6 hours a day. और इतना मतलब मुझे लगता था कि ये बहुत हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तब इट वाज मतलब वो सभी मुझे आने लगा, क्योंकि मैंने क्लासेस पहले अटेंड किए थे. नोट्स निकालते वक्त मुझे वो सब अपने आप समझने लग रहा था कि हाँ ये तो मैं मुझे आता है, ये तो मुझे आता है. और जब भी एग्जाम में गई, क्वेश्चन पेपर देखा, तभी मुझे इट वाज ऑल कमिंग टू मी. मतलब मुझे सब पता चल रहा था कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो मैंने पढ़ा है. सो इट वाज लाइक वेरी नाइस फीलिंग फॉर मी. एंड ऐसे ही प्रिपरेशन करा. मतलब अगर आपको इतनी टफ एग्जाम क्लियर करनी है तो इतना प्रिपरेशन तो करना ही पड़ता है, इतना टाइम तो देना ही पड़ता है. जी, तो मेरे हिसाब से ना सफलता तब तक ही आपसे दूर है, मंजिल तब तक ही आपसे दूर है जब तक आप शुरुआत नहीं करते. Yes. जिस दिन आप शुरुआत कर दोगे ना, उस दिन हर चीज आपको समझ में आने लगेगी, आपके सामने एकदम आसानी से हो जाएगी, सामने आ जाएगी. और इतना ही नहीं, इतने एफर्ट्स लेने के बाद, इतनी मेहनत कर लेने के बाद, जब आप डेफिनेटली एग्जाम हॉल में बैठोगे तो ऐसा कुछ नया नहीं होगा. जब तक हम शुरुआत नहीं करते तब तक लगता है कि नहीं, पता नहीं क्या पढ़ रहा है, क्या चीज है जो शायद हमें पढ़नी पड़ जाएगी सफल होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए. बट आपको बता दें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. वही सारी चीजें जो आपकी किताबों में आपने 11th 12th में पढ़ी थी, वही सारी चीजें जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी, थोड़ा अच्छे से उसमें पढ़ लेते तो शायद ये डर कभी नहीं आता मन के अंदर. शायद उसमें आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, इसलिए कई बार बाद में पढ़ना पड़ता है. और कुल मिलाकर के पढ़ना वही लाइफ साइंस है जो आप काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं. बस एक तरीका होता है इसे पढ़ने का, प्रिपेयर करने का, और अपने अंदर के डर को भगाओ. एक बार शुरुआत तो करके देखो, सफलता हाथ जरूर आएगी ये तय है. तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करें, क्योंकि आशा करते हैं कि आपको वो सारी जरूरी बातें, सारे जरूरी इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मिल चुके होंगे इस वीडियो से. और अब आप अपनी लाइफ में भी इस सारी इंफॉर्मेशन का, इन सारी जरूरी बातों का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और डेफिनेटली सफल होंगे, और हमें अपना इंटरव्यू लेने का एक सुनहरा मौका प्रदान करेंगे. और इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं. थैंक यू सो मच. हैप्पी लर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.